नमः शिवाय। मार्गशीर्ष मास शुक्ल पक्ष बृहस्पतिवार त्रयोदशी तिथि पूरे दिन लगी रहेगी। चंद्रमा कृतिका नक्षत्र में पूरे दिन चलते रहेंगे, जिसके नक्षत्र स्वामी सूर्यदेव हैं। आज के जन्म जातक सुंदर, तेजस्वी, विद्वान, प्रसिद्धि पाने वाले और विद्या व्यसनी होते हैं। ऐसे जातक कुछ मामलों में कठोर वाणी का इस्तेमाल करने वाले, मजबूत शरीर वाले, हमेशा ही आगे बढ़ने की अभिप्रेरणा वाले, तर्क करने में निपुण, धनवान होने की अभिलाषा से युक्त, अनेक प्रकार के विवादों में रुचि रखने वाले, उन्नतिशील विचारधारा वाले और उच्च अभिलाषी होते हैं। यदि सहयोगी लग्न रहा, मंगल, शुक्र और सूर्य की स्थिति अनुकूल रही तो पूर्ण सफल होंगे। चंद्रमा आज सुबह 10 बजे तक मेष राशि में ही चलते रहेंगे, तत्पश्चात वृष राशि में प्रवेश कर जाएंगे और अगले 2.5 दिनों तक वृष राशि में ही चलते रहेंगे, जिसके राशि स्वामी शुक्रदेव हैं। यह चंद्रमा की उच्च राशि है। आज के चंद्रमा पर बुध और बृहस्पति की सप्तम दृष्टि, केतु की पंचम दृष्टि और मंगल की चतुर्थ दृष्टि कायम रहेगी। चार ग्रहों की दृष्टि प्रभावित करेगी, मगर नक्षत्र सूर्य का होगा, जिससे प्रबल दृढ़ विश्वास बना रहेगा। जोशीला अंदाज हर क्षेत्र में सफलता दिलाने के लिए प्रेरित करेंगे। धैर्य और क्रियाशीलता पूरे दिन बनी रहेगी। विभागीय सहयोग और कर्मचारियों की प्रेरणा लाभदायक सिद्ध होगी और हर क्षेत्र में आपका प्रबंधन प्रशंसनीय होगा। आपके हर सार्थक प्रयास पूरे हो सकते हैं। व्यावसायिक सुदृढ़ता बनी रहेगी। हमारे ऋषि मुनियों ने कहा है, आज के दिन जो कृतिका नक्षत्र कायम है, ऐसे दिन यदि कोई पैसा मांगे या उधारी नहीं देनी चाहिए। आज का दिया हुआ पैसा आसानी से वापस नहीं मिल पाता है। हर प्रकार की अड़चनें संभावित हैं, यहाँ तक कि विवाद, मुकदमेबाजी और झगड़े की स्थिति भी सामने आ सकती है। सावधानी अपेक्षित है। आज दिन में 1:30 से 3 बजे तक किसी नए काम की शुरुआत नहीं करनी चाहिए। इस दौरान किए गए कार्य बाधित हो सकते हैं या अप्रत्याशित रूप से रुकावट आ सकती है। मेष राशि के जातकों के लिए बहुत दिनों से रुके हुए सरकारी कामकाज पूरे हो सकते हैं। प्रशासनिक सहयोग कायम रहेगा। रचनात्मक क्रियाशीलता और वाणी की तेजस्विता में वृद्धि होगी। धन लाभ प्रचुर मात्रा में संभावित है। नई कार्ययोजनाओं की निरंतरता बनी रहेगी और विशेष उपलब्धि हासिल करेंगे। निजी निवेश की योजनाओं में रुकावट हो सकती है, मगर साझेदारी लाभदायक रहेगी। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। विद्यार्थियों को अध्ययन अध्यापन में सफलता मिलेगी और प्रयास सार्थक होंगे और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। वृष राशि के जातकों के कार्य क्षेत्र में आ रही रुकावटें खत्म होंगी। अनावश्यक खर्चों में सुधार होगा, मगर अत्यधिक क्रियाशीलता, रचनात्मक प्रवृत्ति और प्रतियोगी भावना से आपके हर कार्य संपन्न होंगे। निजी निवेश के लिए आज का दिन अनुकूल है। आर्थिक लाभ मन मुताबिक मिलता रहेगा, मगर कुछ योजनाओं के प्रस्ताव लागू होने में विलम्ब की संभावना भी बनती है। साझेदारी के कामों में मदद मिलेगी। स्वास्थ्य के प्रति चिंता संभावित है। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मिथुन राशि के जातकों के निजी व संतान संबंधी मामलों में निवेश की संभावना बनती है। कार्य क्षेत्र में रचनात्मक सक्रियता बनी रहेगी और साझेदारी के कामों में लाभ संभव है। नए प्रस्तावों के लिए समय अनुकूल है। शासन सत्ता व अधिकारियों की प्रेरणा मिलती रहेगी। पारिवारिक तालमेल बना रहेगा। निजी संबंध प्रगाढ़ होंगे। वैवाहिक प्रस्तावों में सफलता मिलेगी, मगर अनावश्यक खर्च, अनचाही यात्रा और स्वास्थ्य संबंधी मामलों में उतार चढ़ाव का संकेत भी मिलता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता मिलेगी। प्रयास जारी रखें और वाहन सावधानी से चलाएं। कर्क राशि के जातकों के लिए आर्थिक, सामाजिक और कार्य क्षेत्र से बल मिलेगा और मन मुताबिक सफलता मिलती जाएगी। माता से भी आर्थिक सहयोग संभव है। प्रगति के मार्ग प्रशस्त होंगे। नई कार्ययोजनाओं के लाभदायक प्रस्ताव सामने आएंगे और आर्थिक पक्ष को सुदृढ़ करने की मानसिकता बनी रहेगी। पारिवारिक दायित्व की पूर्ति में आर्थिक निवेश संभव है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर ध्यान रखना चाहिए। पारिवारिक तालमेल में कमी और संतान संबंधी चिंता संभावित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन मेहनत वाला होगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा।
सिंह राशि के जातकों के लिए आज का दिन रुके हुए कामों को संपन्न कराने में सहयोग करेगा। कार्य क्षेत्र के प्रयासों में सरकारी सहयोग जारी रहेगा और उत्थान की मानसिकता बनी रहेगी। सरकारी कामकाज पूरे होंगे और धैर्य से पूरे दिन की गतिविधियों में व्यस्त रहेंगे। एक साथ कई काम करने पड़ सकते हैं मगर आर्थिक लाभ सामान्य रहेगा। कुछ कामों में विवाद या विरोध की संभावना भी बनती है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सहयोग रहेगा। अध्ययन अध्यापन में सफलता की उम्मीद बनती है और वैवाहिक मामले अनुकूल रहेंगे। कन्या राशि के जातकों को आर्थिक और व्यावसायिक क्षेत्र में मदद मिलेगी और भाग्यवश रुके हुए काम संपन्न होंगे। निजी संबंधों में निकटता आएगी और पारिवारिक सुख सौहार्द में वृद्धि होगी। मौसम संबंधी संवेदनशीलता और अनचाही यात्रा का संकेत मिलता है मगर साझेदारी के काम लाभदायक सिद्ध होंगे। नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी और आर्थिक लाभ मन मुताबिक बना रहेगा। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें। वैवाहिक मामले आज के लिए अनुकूल रहेंगे। धार्मिक भावना में वृद्धि होगी और देव दर्शन के योग बनते हैं। तुला राशि वाले जातकों के दृढ़ इच्छा शक्ति और आत्मविश्वास में वृद्धि होगी। कार्य क्षेत्र में विकास होगा और नई कार्य योजनाओं में सफलता मिलेगी। साझेदारी लाभदायक रहेगी और नए निवेश का योग बनता है। संबंधित मामलों में छोटी यात्रा या प्रवास की स्थिति संभावित है। स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं में सुधार होगा। शासन सत्ता व अधिकारियों का सहयोग बना रहेगा। निजी संबंधों में निकटता आएगी। आर्थिक लाभ आपके प्रयासों और कार्यक्षमता के ऊपर निर्भर करेगा। विद्यार्थियों के प्रयास सार्थक होंगे। अध्ययन अध्यापन में सफलता मिल सकती है और वाहन सावधानी से चलाएं। वृश्चिक राशि वाले जातकों के लिए कार्य क्षेत्र में विस्तार होगा और अधिकारियों का सहयोग बरकरार रहेगा। नई कार्य योजनाओं में प्रतिनिधित्व करने का मौका मिलेगा और लाभदायक प्रस्ताव सार्थक होंगे। आर्थिक मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। हालांकि आपका उत्साह और दृढ़ इच्छा शक्ति व्यावसायिक लाभ बढ़ाने वाले होंगे मगर काम करने में असंतुष्टि भी महसूस होगी। वैवाहिक मामलों के लिए आज का समय अनुकूल रहेगा। विद्यार्थियों को सफलता मिल सकती है। अध्ययन अध्यापन में प्रयास जारी रखें और गृह उपयोगी वस्तुओं में वृद्धि होगी। धनु राशि के जातकों के लिए स्वास्थ्य संबंधी सावधानी रखनी चाहिए। व्यर्थ के प्रयास, व्यावसायिक अवरोध और पिता से विचारों में मतभेद का संकेत मिलता है। हालांकि प्रशासनिक सहयोग कायम रहेगा। सकारात्मक प्रयास और दृढ़ इच्छा शक्ति बरकरार रहेगी और कार्य क्षेत्र में मन लगेगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा मगर वाद विवाद और उलझाव की स्थितियों से बचना चाहिए। चंद्रमा की स्थिति छठे भाव में बनी हुई है। परिस्थितियों के अनुसार सामंजस्य बिठाकर आज के दिन चलना चाहिए। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन अच्छा है। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है। प्रयास जारी रखें और किसी समारोह में प्रतिष्ठा के पात्र बनेंगे। मकर राशि के जातकों को धैर्य और संयम से काम लेना चाहिए। वाणी पर नियंत्रण बनाए रखें। कुटुंबियों से कुछ परेशानी और मानसिक दबाव संभावित है मगर नेतृत्व करने की क्षमता का विकास होगा और कुछ मामलों में उत्साह, कार्य ऊर्जा में वृद्धि के साथ साथ महत्वपूर्ण निर्णय लेने में बुद्धि कौशल और दृढ़ विश्वास की स्थिति बनी रहेगी। कार्य क्षेत्र में उन्नति के मार्ग प्रशस्त करेंगे। नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग मिलता रहेगा। संतान संबंधी शुभ समाचार मिल सकता है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सफलतादायक सिद्ध होगा और प्रयास सार्थक होंगे मगर मौसम संबंधी जटिलताओं से सावधानी अपेक्षित है। कुंभ राशि के जातकों के लिए निजी सुख सुविधाओं में वृद्धि होगी और व्यावसायिक संसाधनों में निवेश का योग बनता है। कार्य क्षेत्र में बढ़ रही जिम्मेदारियां पूरी होंगी और मानसिक संतुष्टि बनी रहेगी। हालांकि नई कार्य योजनाओं में अधिकारियों का सहयोग भी कायम रहेगा। धन संबंधी मामलों में आज का दिन सामान्य रहेगा। समयानुसार लाभदायक प्रस्ताव आते रहेंगे। साझेदारी सफल रहेगी मगर सारे व्यावसायिक कार्यों में सावधानी अपेक्षित है। विद्यार्थियों के लिए आज का दिन सामान्य रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में सफलता संभावित है और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। मीन राशि के जातकों के लिए दृढ़ इच्छा शक्ति बनी रहेगी और रचनात्मक प्रयासों का दौर जारी रहेगा। कार्य क्षेत्र की निरंतरता बनी रहेगी और आर्थिक लाभ में सहयोग मिलेगा। बौद्धिक सक्रियता, निजी संपत्ति में वृद्धि, रुकते हुए कामों और धन संबंधी मामलों में उपलब्धि का संकेत मिलता है मगर स्वास्थ्य संबंधी जटिलताओं पर भी ध्यान देना चाहिए। संतान संबंधी चिंता में कमी आएगी और विद्यार्थियों के लिए आज का दिन उत्साहजनक रहेगा। शिक्षा प्रतियोगिता में प्रयास जारी रखें और वैवाहिक मामलों के लिए आज का दिन अनुकूल रहेगा। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे। ओम नमः शिवाय।